एक लड़का जेंटलमैन, बचपन में माँ बाप बहुत कोशिश किया पढ़ाने की, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। ओ शादी हो गई उसकी, ससुराल पहुंचा, शूट बूट पैंट कोट आंख में चश्मा। और जब ससुराल पहुंचा ना, एक बुढ़िया दौड़ के निकली अपने आंगन से, ए बेटा रुक 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 रुक, ये मेरा बेटा ना खत भेजा है दिल्ली से, पहले जमाने की बात है, अभी तो मोबाइल है वायरलेस है, ए बेटा पढ़ दो तो, पढ़ के हमको सुना दो मेरा बेटा क्या बोला है क्या लिखा है। ये नौजवान खत को खोला, अब खोल के देखा, देख के रोना शुरू कर दिया। बुढ़िया समझी मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोना शुरू कर दिया। अब बुढ़िया की बेटी जो आंगन में थी, माँ को रोते देखी तो वो भी आके वो भी रोने लगी। अब दो चार पांच दस औरत जम गई, सब रो रही। तो कुर्बान जाओ, अब कुछ लोग समझदार लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, भाई क्या हुआ? तो बुढ़िया बोली कि बेटा मेरे बेटे के साथ में कोई हादसा हो गया है, एक खत में देखे रे लड़का, खत देखते ही रोने लगा, ये लड़का खत देखते ही रोने लगा। तो एक पढ़ा लिखा नौजवान बोला कि आखिर इस खत में है क्या, जरा ये तो जरा मैं भी तो पढ़ूं कि आखिर आपके लड़के को हुआ क्या है। तो खत लिया वो नौजवान, पढ़ा लिखा था, उसमें लिखा था कि अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, आपको मालूम हो कि मैं खैरियत से हूँ, 2000 रुपया आपको भेज दिए हैं, अच्छा से इलाज कर लीजिएगा, खाना पीना खाइएगा, मेरा टेंशन मत लीजिए। तो नौजवान से पूछा कि तुम खत पढ़ के रोए का है? तो नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पर रो रहे थे, काश बचपन में पढ़ लेते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, ये खत मेरे हाथों में होता मैं खत पढ़कर इस बुढ़िया को सुना देता। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। तुम्हें पता भी है ये यहूदी लोग पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रहा हो, यहूदी आज जंगे हो रही है ना, अरे फिलिस्तीन से जंगे हो रही है ना यहूदी की, बड़ी गलीज कौम है ये यहूदी, जिसको यहूदी कहते हैं, दुनिया में पूरी दुनिया के अंदर में कहीं इसको ठिकाना नहीं मिला यहूदी कौम को, फिलिस्तीन के मुसलमानों ने, अब मुसलमान तो रहमदिल होता है ना, मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहूदियों को ठहरने की जगह दी, बैठने की जगह दी, वो लेट गया। और आज ये आलम है वही फिलिस्तीन है, मुसलमानों को वो भगाना चाह रहा है, उसी की जमीन, मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की कंट्री, मुसलमानों का मुल्क, अब उसी को उससे निकालना चाह रहा है। आज यहूदी आगे क्यों है? ये जो मोबाइल देख रहे हो ना, इसका इजाद करने वाला कौन है? यहूदी है। सुनो, जो कंप्यूटर चलाते हो इसका इजाद करने वाला यहूदी है, और सुनो फेसबुक चलाते हो इसका इजाद करने वाला यहूदी है, व्हाट्सएप चलाते हो इसका मालिक कौन है? यहूदी है। और सुनो सुनो, वो जो साबुन लगाते हो, कि साबुन ठीक है, लक्स साबुन, लाइफ बॉय, एक क्रीम है, एक क्रीम है, हेयर फेयर शोल्डर क्रीम, वो क्रीम बनाने वाला भी यहूदी है। आखिर इसकी वजह क्या है कि यहूदी आगे बढ़ा कैसे? तो पता ये चला कि जब यहूदी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब उस बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल हो जाती है, तो एक हाथ में यहूदी कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? तो इंशाल्लाह तालीम हासिल करोगे, इल्म हासिल करोगे, चाहे दुनियावी तालीम, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ो, सबसे पहले कुरान पढ़ो, फिर मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, साइंसदान बनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, जरा अपने हाथों को उठाओ, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए, खुद कुरान की तिलावत करने के लिए। देखिए ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों का इंतजाम किया जा रहा है, वो हसीन मंजर आपके सामने पेश किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि वो फिलिस्तीन का एक नौजवान से एक मीडिया वाले ने पूछा है, नौजवान तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो मीडिया वाले ने कहा कि आपकी शादी हो गई? ये नौजवान ने कहा कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है।
अभी मैंने शादी की नहीं किया, निकाह नहीं किया। और कुर्बान जाओ, मीडिया वालों ने कहा आपकी उम्र कितनी है, बोला 38 इयर्स, 38 साल मेरी उम्र है। तो मीडिया वालों ने कहा 38 साल उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किए, निकाह क्यों नहीं किए। तो फिलिस्तीन का नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक हम मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम निकाह नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? क्या करा लेंगे? अरे बोलो भाई, तब निकाह करेंगे। यहाँ हमारा नौजवान मोबाइल में फोटो लेके घूमता लड़की का, अम्मा से बोलेगा एक रे से भी हा कर, वो बाबा से बोली थी एक रे से करे मैं बस। सोचो सोचो तो सही नौजवानों, आखिर तुम भी तो नौजवान हो। यही तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कहां गए वो मुसलमान, अगले जमाने वाले कैसरों किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम नौजवान नहीं हो? अरे नौजवान, मुसलमान का नौजवान उसकी शान वो है कि जिस गली से मुसलमान का नौजवान गुजर जाएगा उसकी खुशबू बता देगी कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले दो। ये जनाब कारी खुर्शीद साहब मदामत बरकात हम थे। और हकीकत कहिए, आज के जो जलसे में मैं पहुंचा हूं, कारी खुर्शीद साहब की बहुत बड़ी मेहनत है और हमारे दिल बाबू की बड़ी मेहनत है, मुनाजिर साहब की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह दो जलसे कैंसिल करके इस जलसे में आना पड़ा। वो जलसे वाले फोन किए कि FIR करवा देंगे। हमने कहा स्विच ऑफ कर देते, तुम FIR करवाते रहो, अभी तक मोबाइल ऑन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 रुपए आ गए मेरे हाथों में, दिल जमी के साथ बैठे। लेकिन हमारी माँ तो नहीं है, बाप नहीं है, ये इनाम मिले हैं मुझे इस साल और सवाब की नियत से हुसूले बरकत के लिए। 25 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, इंशाल्लाह इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ। लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइए, कोई पैसा लेके, ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना वो मेरा काम है कि आपका काम है? आपका काम है जलसा सुनना, तकरीर सुनिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये गोड्डा की सरजमीन है, झारखंड की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं। इंशाल्लाह मैं जब आपसे कुछ मांगूंगा तो इंशाल्लाह अपने जान माल से जहां तक हो सके अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में ताउनी कामों में इंशाल्लाह हिस्सा लेना। इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, मुसलमान बकील नहीं होता है। मुसलमान बकील, अरे बोलो भाई मुसलमान बकील। अच्छा बकील नहीं समझे, कुछ लोग नहीं जानते बकील किसको कहता है, बकील नहीं जाने जा। हाँ, चार क्वालिटी है बकील के। बकील कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नतोत नी जावे, बखील जन्नतोत, अरे बोलो भाई नी जावे, नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो तो मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में,
तो दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, रोजा रखता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में। तो बखील बनोगे कि सखी बनोगे? हाँ इंशाल्लाह, भी देखते हैं ना कितना बड़ा सखी होते हैं। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब खिताब कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि मुसलमानों, जब नमाज का इरादा कोई मुसलमान करता है ना, तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जैसे ही एक मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसका पीछा लग जाता है कि इसको पैसा खर्चा करने मत देना, रोको। कितना शैतान लगता है? तो इमाम साहब ने बोला कि भाई कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, सदका करो? कोई नौजवान है? एक नौजवान उठा बोला शैतान की ऐसी की तैसी, उठा घर गया, आटा का बोरा खोला और झोला में आटा कसा, बोला कि हम 70 शैतान को हराएंगे। और झोला लिया, घर से निकल रहा था, दरवाजे पे बीवी खड़ी मिल गई, बोले कहाँ जा जाओ? तो बोला कि सदका करने जा रहे हैं। बीवी बोली कोई काम धंधा तो करते नहीं, और रखा हुआ आटा सदका करने जा रहे, चुपचाप मर के रखी, ले आके झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि की भी ले हो, सदका कर लो। बोला भैया हम पूरी तैयारी में थे, लेकिन जैसे ही निकल रहे थे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। इसलिए मेरे नौजवानों, मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुनो, जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। और जो बखील है, जो कंजूस है, अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। इसलिए मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगो, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। अरे बोलो भाई। 25 बच्चों की दस्तार बंदी हुई आपके नजर के सामने में, एक एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा एक हाफिज कुरान। और एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो भाई। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सोचो, गौर करने का मकाम है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में जा, ये हाफिज कुरान जाएगा इधर जहन्नमियों को देखेगा। नौजवानों सुनो, इधर जहन्नमियों को देखेगा तो किसी पहचानने वाले, ए बाबू ए काहे बेचैन है, बैठिए आप वहां पर, लगन बच्चा परेशान, जो 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 गड़बड़ा जाएगा, ये पोजीशन ठीक नहीं बचाएगा, जो जल्दी जो मजमा खराब कर देगा। हाफिज कुरान जन्नत में जाएगा, ठहर जाएगा और देखेगा, एक आदमी बोले बाबू हमको पहचाने, ए हाफिज साहब हमको पहचाने, ए आलिम साहब हमको पहचाने, एक दिन आपके लिए वजू के लिए मैंने पानी दिया था आपको, बोला हाँ पहचान लिया। अच्छा, दूसरा आदमी कहेगा आप हमको पहचाने, एक दिन आपको हम खाना खिलाए थे, पहचान लिया। ओ तीसरा आदमी कहेगा कि आपने हमें पहचाना, अब कुर्बान जाओ आप मदरसे में पढ़ते थे, इतना इतना पैसा मैंने आपको दिया था, कुर्बान जाओ। अल्लाह कहेगा मेरे हाफिज कुरान क्या हुआ जन्नत में जा, तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह ये मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने मुझे दुनिया में पानी पिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मेरी मदद करी थी। तो मेरा अल्लाह पूछेगा तू चाहता क्या है, तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ, तो मेरे रब का ऐलान होगा जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। तो मेरा भाई 25